अनदर ब्लॉग में मैं हूँ मूनशाइन फ्रॉम यूके। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे जैसी मैं हूँ। फ्रेंड्स, आज है दिवाली का फेस्टिवल, तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ मेरी मम्मी कुछ आवाज लगाती हुई बोली, लाइट कौन सी ऑन कर दे। ठीक है, तो मम्मी बोल रही थी लाइट ऑन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोगों ने थोड़ा सा लुक को चेंज करने की कोशिश की है, और आज हम सभी लेडी ने, जो घर में लेडीज है, मैं, मम्मी, मेरी भाभी, सब ने साड़ी वेयर करी है। तो सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को दिखाती हूँ जिन्होंने आज साड़ी पहन के रखी है। काफ़ी समय बाद काफ़ी सारी साड़ियाँ हैं इनके पास, बट ये पहनना अब पसंद नहीं करती। पहले काफ़ी पहना करती थी, बट अब इन्होंने थोड़ा कम कर दिया है, तो आज इनको फोर्स किया गया तब जाके इन्होंने साड़ी वेयर करी है। तो देखते हैं सबसे पहले मम्मी को। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी मम्मी जिन्होंने पूजा वगैरह तो कर दी है, और जो दिए हैं वो जलाने अभी बाकी है। मंदिर में पूजा हमारी हो चुकी है, और मम्मी इस टाइम जो है दिए में तेल भर रही हैं, और इन सबको सब जगह लगाया जाएगा। तो मम्मी ने पहन रखी है पर्पल कलर की साड़ी। और फ्रेंड्स, ये है मेरी साड़ी जो कि मेरी मम्मी की ही साड़ी है, और मैंने बस ब्लाउज इसके साथ ब्लैक कलर का डाला, और ये मैंने आज वेयर कर ली। तो वैसे भी फेस्टिवल का दिन है, तो ये अच्छा लग रहा था कलर, तो मैंने सोचा मैं आज इसी को पहन लेती हूँ। तो ये मेरा फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। और अब हमारे घर की आखिरी लेडी जो कि मेरी भाभी है वो रह गई है, तो उनका जो लुक है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जाते हैं उनके पास और देखते हैं वो रेडी हुई कि नहीं हुई। और ये है मेरी भाभी समीक्षा, और इन्होंने इस टाइप की साड़ी पहन रखी। तो जितने भी हम घर में लोग हैं हमने अलग अलग तरह की साड़ी वेयर कर रखी है, और अब जाते हैं मंदिर के पास और दिए वगैरह जलाते हैं। चलो फ्रेंड्स, इस बार की दिवाली कुछ अलग होने वाली है, क्योंकि ये जो दिवाली है ये मेरी इस घर में लास्ट दिवाली है। और नेक्स्ट ईयर से अगर मैं आई भी दिवाली के टाइम पे, तो शायद मेहमान के तौर पे ही आऊँ। अदरवाइज जो अभी मेरी मतलब जगह है बेटी की तरह, वो कन्वर्ट हो जाएगी एक मेहमान के रूप में। मेरे जो कपड़े हुआ करेंगे वो ऐसे बैग में भरे रहेंगे, और मतलब मेरे कपड़ों के लिए शायद ही इस घर में अलमारी में जगह वगैरह बचे। तो थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, आखिरी दिवाली है अपने मायके में, तो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। पिछली बार पहली दिवाली थी अपने नए घर में, और इस बार ये मेरी आखिरी दिवाली हो गई है। तो आज मैंने रंगोली बनाई है, ज़्यादा रंगोली तो बनाई नहीं है, लेकिन एक रंगोली मैंने बनाई है फ्लावर से, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह की मैंने फ्लावर से ही इस बार रंगोली बनाई, ज़्यादा मेहनत मैंने करी नहीं, लेकिन ये भी अच्छी दिख रही है। गेंदे के फ्लावर से मैंने सारा इसमें फिल करा है कलर, तो मुझे तो बढ़िया ही लग रही है। मैंने बनाई है तो मैं बुराई तो करूँगी नहीं अपनी रंगोली। हैप्पी दिवाली।
दिवाली का फेस्टिवल कितना स्पेशल होता है, पूरे साल इस त्यौहार का वेट किया जाता है। और जब ये फेस्टिवल आता है तो एक दो महीने तो नहीं, लेकिन एक डेढ़ हफ्ता पहले से सफाई वगैरह शुरू हो जाती है और हर चीज़ ऐसे चमकाई जाती है, डेकोरेट करी जाती है, हर चीज़ पर्दे वगैरह, कोई ऐसा कोना नहीं होता है जो दिवाली के टाइम पे साफ़ ना होता हो। तो दिवाली का फेस्टिवल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब जाते हैं हम लोग ऊपर और छत से देखते हैं कि कैसा बाहर का व्यू है, चारों तरफ जो लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं वो किस तरह से नज़र आ रही है। समीक्षा भी आई है छत पर और वो सब जगह है दिया वगैरह लगा रही हैं, जला के रख रही हैं। तो दिखाते हैं आपको देहरादून का व्यू जो दिवाली पे होता है। जला के रख दिए हैं और अब थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। वैसे ज़्यादा पटाखे वगैरह फोड़ते नहीं हैं और इस बार इनू के लिए हम लोग अनार बम और जो छोटे छोटे चीज़ें रहती है फुलझड़ी वगैरह वो लेके आए हैं। तो अब बाहर की तरफ जाते हैं और इन सारी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। समीक्षा, सबसे बेस्ट तो हमारे इनू की दिवाली है। इनू, हैप्पी दिवाली। क्या खाला, क्या खा ला बेटा? कितनी मिठाई खाता है तू? है क्या खा ला? हैप्पी दिवाली। मिठाई तो बनती है दिवाली पे। यहाँ पे तो हमने मिठाई वगैरह दे दी है और अब हम जा रहे हैं रावत अंकल के घर पर और उनके यहाँ भी उनको विश करके आते हैं। और अभी जिनके घर पर हम लोग गए थे वहाँ पे बच्चा है सोम, वो हमेशा ही मेरे को दीदी की जगह आंटी बोलता है। तो आज मैंने उसको बोल दिया कि भाई आंटी मत बोल मेरे को, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी से आंटी बना दिया इसने मेरे को। दो फैमिली पे के घर पर तो हम लोग हो आए, अब हम लोग जा रहे हैं सामने के साइड में, वहाँ पे भी हम लोगों के जानने वाले ही एक फैमिली है तो उनके घर भी हो आते हैं, उनको भी दिवाली विश कर देते हैं। यहाँ पे पटाखे भी बहुत सारे फोड़े जा रहे हैं तो ध्यान से जाना पड़ेगा। सबको दिवाली विश करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर पर और जाते हैं किचन में। अभी कौन रह गया? अच्छा, उनके यहाँ थोड़ी देर में जाएंगे और पहले जाते हैं किचन में और देखते हैं मम्मी क्या क्या तैयारी कर रही है। वैसे वो दाल की पकौड़ियाँ बना रही थी तो देखते हैं पकी होगी तो खा लेंगे, नहीं तो अभी अनार बम वगैरह फोड़ेंगे। मीनू, जाने से पहले ही विनायक हमारा यहाँ पे वेट कर रहे थे और इनको अनार बम देखना है, कल इन्होंने देखा था तो ये दौड़ते हुए दादू के पास गए और बोले मेरे को अनार चाहिए, अनार, आज अनार देखेंगे फोड़ेंगे ना बाबू। तो लेके आते हैं बाहर और इसको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें आजकल क्या दिवाली पे होती है। पिछली बार तो ये छोटा सा था तो इसे कुछ पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। और दूर से देखो बाबू, ये है फुलझड़ी। ठीक है, क्या है बाबू? ये क्या है? इसकी स्माइल देखो, कितना खुश हो रहा है। हैप्पी दिवाली। बाबू डांस कर दे हैप्पी दिवाली पे। ओ देखो क्या गया,
देखा विनू इनू, ये देख इनू। अरे वो देख वो देख वो देख उधर वही 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 पीछे रह फ्रेंड्स, हम लोग तो बाहर इनू के साथ एंजॉय करने लग गए थे और किचन में मैं अभी आई हूँ। इनू को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, पटाखों से, फुलझड़ी से, अनार से कोई डर नहीं। कह रहा और ला और ला, तो जितने लाए थे वो सारे के सारे फिनिश हो गए। और जो यहाँ मम्मी है वो बना रही है दाल वाली पकौड़ियाँ, तो कुछ बना के रखी है, इसको खा के देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो मम्मी बना ही नहीं है, ढेर सारी बनेगी, नाश्ते में भी खाने के लिए हो जाएगी ये। तो अब हम लोग आए हैं अपने मौसी के घर पर, तो दिवाली विश कर देते हैं। मैं, समीक्षा और मोहित आ रखे हैं, जाते हैं अंदर और मिलते हैं आरू से। आरू 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 क्या है भाई? अभी हम लोग जस्ट पहुँचे मौसी के घर से, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर एंजॉय करा, चाय नाश्ता वगैरह हुआ। उसके बाद हम लोग निकल आए, क्योंकि घर से फ़ोन भी आ गया था और बोला गया कि विनायक जो हैं वो अपनी मम्मा को याद कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है। तो फिर हम लोग सीधे निकल ही आए, और घर पे पहुंचे तो विनायक बाहर खड़े होके वेट कर रहे थे हम लोगों का। तो वो अपनी मम्मी और पापा के साथ बाहर निकल गया घूमी करने के लिए, क्योंकि उसको भी घूमी करनी थी। और मैं ऊपर आ गई, जो मम्मी थी उन्होंने डिनर बना के रख दिया है, तो डिनर अब होगा हम लोगों का। और जितनी हमारी दिवाली थी वो हमने आज सेलिब्रेट कर ली। इन्होंने ढेर सारी फुलझड़ियाँ देखी, अनार बॉम देखा, चकरी देखी, तो उसे देख के उसे काफ़ी अच्छा लगा और वो बिल्कुल भी डरा नहीं। तो अगले साल से उसकी ये सारी डिमांडें तो बढ़ती जा रही हैं। और क्या कहते हैं, इस बार की जो दिवाली है ये मेरी इस घर की आखिरी दिवाली है, तो सोचा कि थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं। नेक्स्ट ईयर एक नए घर में नए लोगों के साथ मेरी दिवाली होने वाली है, तो इस बार अपनी फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो वीडियो को अब करती हूँ मैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।